महादेव घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना भविष्य फल। जिस भविष्य फल को जानने के लिए आपने अपनी ऑडियो क्लिप नाम शहर का नाम उम्र व्यवसाय या नौकरी भेजा, यही प्रोसीजर है कि आप हमारे नंबर पर अपनी ऑडियो क्लिप भेजते हैं और उस आवाज को सुनकर हम उस आवाज की तरंगों को और ग्रहों की तरंगों को मिलाकर एक भविष्य फल कथन, भविष्य फल या एक परिणाम आपको बता देते हैं। इसको ध्यान देकर सुनिए, यह आपके काम की बात है क्योंकि आपका अपना व्यक्तिगत यह भविष्य फल है। इसको याद भी करना है आपको कि किस तारीख को कब कहाँ क्या हुआ, कितने बजे क्या हुआ, वह हम सब आपको बताने जा रहे हैं। आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, शास्त्र कहते हैं मंत्र अधीन देव, देव अधीन ग्रह और ग्रह अधीनम जगत। मंत्र के बस में देवता, देवताओं के बस में ग्रह और ग्रहों के अधीन सारा संसार चराचर जगत है। कोई ग्रहों के बाहर नहीं, ना आप ना हम, ना श्री कृष्ण थे ना श्री राम थे। यहाँ तो इस मृत्यु लोक में जो आया है वह ग्रहों के अधीन रहा और ग्रहों की मर्यादा का पालन करके ही चला। इन ग्रहों की रश्मियों का, रेस का, किरणों का, तरंगों का प्रभाव आप पर, हम पर, सब पर बड़ा जबरदस्त पड़ता है। आपने देखा होगा सब कुछ अच्छा चलते चलते क्षण में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। बड़ी विषम परिस्थिति में लोगों को भीख मांगते देखते देखते अनायास तकदीर पलटती है। रातों रात लोग करोड़पति या अरबपति बन जाते हैं। यह सब कैसे संभव होता? यह सब ग्रहों की माया, ग्रहों की मेहरबानी है। किसी को कुछ भी बना देते हैं, यह सब ग्रहों का प्रभाव। कहां से कहां कचरे के ढेर पर पैदा होकर लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, यह सब ग्रहों की मेहरबानी। या यूं कहिए कि किसी की कुंडली में राजयोग है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत शानदार राजयोग है, लेकिन उस राजयोग को कुछ ग्रहयोग फलित नहीं होने देते। जैसे किसी की कुंडली में गज केसरी योग, गज केसरी योग का मतलब है कि करोड़ों का मालिक, लेकिन समस्या इस बात की है कि उस गज केसरी योग के पीछे भी चार योग हैं जो उसको फलित नहीं होने देंगे, जिसका नाम है बाधा योग। और विचार करिए कि एक ताकत इस तरफ एक ताकत इस तरफ बराबर खिंचेगी तो कौन कहां जाएगा, कोई कहीं नहीं जा सकता। तो वह राजयोग दरिद्र योग में बदल गया। एक्चुअल में उसकी जो बाधा है, वास्तविक जो बाधा है किसी के भी राजयोग की, उस बाधा का किसी तरीके से तोड़ निकला है, यही ज्योतिषी की मास्टरी। तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वह 100 की स्पीड में दौड़ेगा आदमी, कहीं से कहीं पहुंच जाए। आपने देखा होगा ना, कुंडली में राजयोग है, पूरी जिंदगी वह जिस ज्योतिषी के पास जाता हर आदमी कहता आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, यजमान बधाई हो। और यजमान कहता कि हमारी हालत खराब है। वास्तव में जो बाधा है उसका निवारण होना चाहिए। फिलहाल कई योगों पर चर्चा होगी और होती रहेगी हमारे इस YouTube चैनल में, जो कि एस्ट्रोलॉजर पंडित विनोद कुमार दुबे के नाम से है, भविष्य फल नाम से है। अभी आपका भविष्य फल दिया जा रहा, जो ऑडियो क्लिप, जो आवाज आपने भेजी उसका। परंतु आपको ठीक लगे तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अन्य अनेक रोचक जानकारियां, ज्योतिष की गूढ़ से गूढ़ बारीक से बारीक जानकारियां घर बैठे मिलती रहें। और यकीन मानिए, हमारे ज्योतिष के YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया और आप जुड़ गए, तो ऐसी कुछ जानकारी हम डालने वाले हैं कि छोटे मोटे ज्योतिषियों से ज्यादा तो आप लोग जानने लगेंगे। हम सारे के सारे पत्ते ओपन करने वाले हैं YouTube चैनल पर ज्योतिष के, जिसमें इतनी बारीक जानकारियां होंगी कि आप घर बैठे कुछ भी जान सकेंगे।
क्योंकि हमारा उद्देश्य है हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर में महादेव की सेवा आराधना हो, वही हमारे इष्ट देव। भगवान शंकर का हर घर में सम्मान हो, ब्राह्मणों का सम्मान हो, ज्योतिष का सम्मान हो। तो किसी का सम्मान कराना है तो उसके लिए हमें उतना परिश्रम भी करना पड़ेगा। गिव एंड टेक का फंडा है संसार में। अगर हमारे ज्योतिष सटीक होगी तो आप हमको और हमारी ज्योतिष विद्या को सम्मान अवश्य देंगे। आज ज्योतिष जो बदनाम हो रही है, यह तथा कथित ज्योतिषियों के कारण ही बदनाम हो रही है। इसलिए प्रयास हमारा यही है कि आप लोगों को वह बारीक, वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जानकारी दें कि आप जिसमें मानने को बाध्य हो जाएं, विवश हो जाएं कि ज्योतिष आज भी सत्य है या ज्योतिषियों की गलती है तो ज्योतिष को बदनाम किया जा रहा। आपका फलादेश शुरू करते हैं। याद करिए 11 तारीख 11 जनवरी आपकी आवाज, फिर से याद कर लीजिए, आपकी आवाज की तरंगें जो हमें बता रही हैं कि आपके ऊपर ग्रहों की तरंगों का, ग्रहों की रश्मियों का, किरणों का, रेस का जो प्रभाव आप पर पड़ रहा है वह किस तरह का है, हमने लिपिबद्ध लाइन क्रमशः कंडिकाओं के साथ लाइन बाय लाइन हर चीज आपकी नोट कर ली, आपको बता देते हैं। इसमें जो समस्याएं हैं, आपके जो प्रश्न या समस्याएं हैं उनका समाधान भी इसमें है, उपाय भी हम इसमें बता देंगे, आपकी समस्याओं का निराकरण होने लगेगा। बाकी व्यक्तिगत रूप से जिसको मिलना है वो हमारे नंबर चल रहा है, उन पर संपर्क कर सकते हैं। 11 जनवरी 2021 याद करिए, 11 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच आप किसी पेड़ के नीचे खड़े थे। 11 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच किसी पेड़ के नीचे खड़े होने का योग बना था। क्या आपकी आवाज बताती है? याद करिए, कहीं से जान आना है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। किसी से मिलने गए, उसका घर ही किसी पेड़ के नीचे है। किसी के ऑफिस गए, पता चला उनका ऑफिस या दुकान जो भी है वह पेड़ के नीचे, वहां खड़े होना पड़ा। कई बार कहीं दूसरे अन्य कारणों से भी लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जो भी कारण हो, लेकिन 11 जनवरी को सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच आपको किसी पेड़ के नीचे खड़े होने का योग बनता है। इसको आप याद करिए और यह पूर्ण सत्य है, आप खुद मानेंगे। अगली लाइन आपकी है 14 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे के आसपास से, 2-1 मिनट आगे पीछे हो सकता है, 14 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे के आसपास से 12 बजे के बीच कोई लाल रंग की कार आपके घर के सामने तरफ खड़ी थी। अब ये हो सकता है कि आपके यहाँ कोई आया मिलने, उसकी कार खड़ी थी, या आपके आमने सामने किसी के यहाँ कोई मिलने आया तो सामने तरफ कार खड़ी थी, लेकिन आपकी आवाज यह बताती जरूर है। आप ध्यान दीजिए, आपकी आवाज बताती है कि 14 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे के आसपास, 1-2 मिनट का अंतर होगा, सुबह 9 बजे के आसपास से 12 बजे के बीच, बड़ी बारीक बातें हैं, इनको आप नोट करिए, कोई ज्योतिषी दुनिया में ऐसा नहीं बता सकता जो हम बता रहे हैं। 9 बजे के आसपास से 12 बजे के बीच कोई लाल रंग की कार आपके घर के सामने खड़ी थी। अब उस कार में कौन आया था ये आपका विषय है, आपके घर आया था, आपके पड़ोस में आया, आपके सामने आया, ये आप जाने, लेकिन एक कार ऐसी खड़ी हुई थी, इस पर आप गौर करिए। तीसरी लाइन 15 जनवरी को शाम को किसी के साथ आपका कहीं जाना आना हुआ। जनरली लोग निकलते हैं, घूमना फिरना होता है, टहलने जाते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली को घुमाने जाता है, लोगों के तरह तरह के शौक हैं, कोई किसी काम से जाता है। 15 जनवरी को शाम को किसी के साथ कहीं जाना हुआ, कोई व्यक्ति जो भी आपके साथ में था वह बीच में रुक गया, आप आगे तक चले गए,
याद करिए। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से है बड़ी बड़ी बातें। लोग कुंडली देखकर नहीं बता पाते। आपने हमारा भी कई टीवी चैनलों में, फेसबुक में, यूट्यूब में लाइव प्रोग्राम देखा होगा। उसमें हम जबलपुर में अपने घर से अपने स्टूडियो में बैठे बैठे बता देते हैं कि इस समय आप कहाँ खड़े हैं, तिराहे पे हैं, चौराहे पे हैं, ढलान में खड़े हैं, आज आपने क्या खाया है, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या सोच रहा है, क्या होने वाला। और आप वहाँ से स्वीकार करता कि ये सत्य है, ये कैसे संभव। ये हमारे महादेव की कृपा, हम उनकी सेवा आराधना करते हैं। आपको महादेव की पूजन का रहस्य यदि समझना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में ढेर सारे वीडियो पड़े हैं जो हमारे द्वारा की गई पूजन के। हम हमेशा ऐसी पूजन करते हैं। प्रति वर्ष 5.25 करोड़ बिल्व पत्र श्री राम नाम लिखकर भगवान को हमारे माध्यम से भेंट की जाती है। 2500 लोग लगते हैं, बहुत बड़ी टीम लगती है, फिर कई महीने में यह अनुष्ठान पूर्ण होता है। प्रति सोमवार इस तरह की पूजन होती है, उसके वीडियो आप देखिए। एक पूजन का दर्शन करने मात्र का 100 गाय दान का पुण्य होता है, क्या हर्ज है। वीडियो यूट्यूब में पड़े हैं, यूट्यूब आप देखते ही, रोज एक वीडियो देख लिया, 100 गाय दान का पुण्य हो गया। हर हर महादेव, आप अपना काम करिए। जब हम पूजन करने बैठते हैं तो काले काले नाग आकर शिवलिंग से लिपटने लगते हैं, दीपक अपने आप जल जाते हैं, भगवान को चढ़ाए हुए फूल बेलपत्र अदृश्य हो जाते हैं, बड़े चमत्कार होते हैं पूजन में, जो कभी आकर ही देख सकते हैं। शिवरात्रि के वीडियो देखिए आप, यज्ञ के वीडियो देखिए आप, आपकी तबीयत मस्त हो जाए, ये उन्हीं की कृपा है। तो हमारे ख्याल से तो जो हम बता रहे हैं वह बड़ी बात है, छोटी नहीं। अगली लाइन है, 12 जनवरी को दोपहर में, याद करिए 12 जनवरी 2021 को दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के बीच, याद करिए फिर से 12 जनवरी 2021 दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच आप किसी को भोजन बनाने का निर्देश, आदेश या ऑर्डर देकर निकलें। मान लीजिए आप किसी होटल में ठहरे हैं, आपको अब कहीं जाना है, आप जाते हैं रिसेप्शन में, आते हैं होटल वाले से बोलते मैनेजर से कि सो एंड सो फलाने सब्जी, फलाने वस्तु, फलाने दाल चावल जो भी है हम लौट कर आ रहे हैं, तैयार करा दीजिए, या इस तरह का भोजन टिफिन आप पैक करा दीजिए, हम आ रहे हैं, हमको निकलना है, हमारी ट्रेन है, हमारी बस है, हमारी टैक्सी है, जो भी है। या अपने घर में, अपने घर में निकलते हैं और कहते हैं यह भोजन बना लेना, हम आ रहे हैं, ऐसा आपके साथ हुआ। या आप अपने घर में ही बोल देते हैं कि यह बना लो, मुझे यह खाना है। याद करिएगा यह है 12 जनवरी की बात, 12 जनवरी 2021 को दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के बीच ऐसा हुआ कि आपने भोजन के लिए ऑर्डर किया। याद करिएगा यह बात सही है। अब बात आती है अगली लाइन, 17 जनवरी को शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच आप किसी विषय को लेकर चिंतित थे, वह विषय था डॉक्टर या दवाई बदलने का विषय था। याद करिए 17 जनवरी 2021 शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच किसी मरीज की दवाई या किसी मरीज का जो डॉक्टर है, वैद्य है, उसे आप लोग बदलना चाहते हैं, बदलना चाहिए, क्योंकि हमें आराम नहीं मिल रहा या संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहा है, इसलिए डॉक्टर को या दवाई को बदलने की योजना 17 जनवरी को शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच आपकी योजना बन रही थी। याद कीजिए, बड़ी बारीक और मार्मिक बातें हैं जो सुनकर आपको आश्चर्य होगा। लोग कहते हैं अरे बाप रे, आवाज सुनकर पंडित जी बता देते हैं, लाइव में ऐसा कई बार बताया, ऐसा किसी ने बहुत ज्यादा
जिद की या परीक्षा ली तो उनको बता दिया गया कि तुम ऐसे रंग की अंडरवियर पहने खड़े हो, उस अंडरवियर में दो छेद हैं और कुछ बताऊं, तो लोग चौंक जाते, अरे बाप रे, तो भगवान हंस कहते, अरे भैया भगवान भगवान है, हम भगवान के चरणों के दास हैं, भगवान के सेवक से तो निपटो, फिर भगवान की बात करना, भगवान की कृपा हो जाए तो सब प्रकार की सिद्धियां शक्तियां मिल जाती हैं। वही भगवान भोलेनाथ हमारे गुरु हैं, जिनका नाम ओगरदानी आशुतोष। अब बात करते हैं अगली लाइन की। इस समय कुछ ऐसा योग चल रहा है पिछले 10-11 दिन से, थोड़ा याद करिए, पिछले 10-11 दिन से ऐसा योग बन रहा है कि आप अक्सर घर से जब निकलते हैं, गौर करिएगा, बात छोटी है पर बड़ी, जब घर से निकलते हैं तो किसी ना किसी बच्चे को दुलार कर, प्यार कर, पुचकार कर, उसे कोई खिलौना देकर, कोई खिलौना का आश्वासन देकर घर से निकल रहे हैं। ये बड़े रहस्य की बात है, लेकिन ये 10-12 दिन और चलेगा, फिर नहीं चलेगा। अब ये हो सकता है कि आपके घर आपके कोई परिचित, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जिनका बच्चा हो, या आपके आस पड़ोस में कोई बालक हो, आपके घर में कोई बालक बालिका हो। कुल मिलाकर घर से निकलते समय या अक्सर आपको किसी शिशु को दुलारने का, पुचकारने का, प्यार करने का योग बनना। देखिए आपकी आवाज की तरंगें कितनी बारीक बातें बता देती हैं, जिसकी आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की, सोचा भी नहीं, परंतु आपकी आवाज आप कहाँ हैं वहां से भेज रहे हैं, रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, और हम जबलपुर में हैं, अपने घर से हम जबलपुर से आपको आवाज की तरंगों को और ग्रहों की तरंगों को मिलाकर आपको हम आपका फलादेश बता दे रहे हैं, है ना रहस्य की बात। यह वीडियो आपको ठीक लगा, यह वीडियो आपको संतोषजनक लगा, तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को हमारा 9303994355 नंबर शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जीवन में और बारीक से बारीक जानकारियां मिल सकें, हम इस कार्यक्रम को और बृहद और सुपीरियर और शानदार और मार्मिक बनाने की कोशिश में लगे। आप सबका सहयोग प्यार मिलता रहे। फिर देखिए अगली लाइन। किसी विद्वान व्यक्ति से, किसी वकील से भेंट होनी है, या तो कोई कानूनी प्रक्रिया में सलाह ले सकते हैं, या किसी वकील से, किसी विद्वान व्यक्ति से आपकी भेंट होनी है, संपर्क होना है, संबंध होना है, मुलाकात होनी है, फोन पर बात होनी है, कोई ना कोई ऐसा काम होना है। वैसे तो मेरा अनुभव है इसमें फोन का संबंध ना होकर व्यक्तिगत रूप से मीटिंग होगी, मुलाकात होगी। यह आपकी आवाज की तरंगें व्यक्त कर रही हैं, बता रही हैं कि किसी वकील से, किसी विद्वान व्यक्ति से आपकी भेंट होने वाली है। बधाई हो। किसी विद्वान से, किसी वकील से जहां भी भेंट होगी, जाहिर सी बात है कोई ना कोई जानकार व्यक्ति से मिलेंगे। अगर आपकी ग्रहण शक्ति, ग्राहक क्षमता अच्छी है तो आप उससे कुछ ना कुछ ग्रहण ही कर लेंगे। किसी से मिलने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कोई भी मनुष्य, आपकी नहीं, हर व्यक्ति की बात करते हैं, कोई भी मनुष्य गुण ग्रहण करने की क्षमता रखे, पॉजिटिव सोच रखे, तो किसी से मिलने में, किसी गंवार से, गंवार व्यक्ति से भी मिलने में कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाता है। फिर तो आप एक विद्वान से और एक पढ़े हुए वकील से, जाने माने वकील से मिलेंगे, ये अच्छी बात है आपके लिए, अच्छी बात है। अगली लाइन है आपके लिए, याद करिए, 17 जनवरी को शाम को, 17 जनवरी को शाम को गाजर का हलवा, क्या खोवा का कोई आइटम आपने खाया था, 17 जनवरी 2021 को संध्या काल में, शाम को,
याद करिए, गाजर का हलवा या खोवा का आइटम, जैसे मलाई को बहुत गाढ़ा कर देते हैं रबड़ी बन जाती है, तो रबड़ी भी खोवा जैसी ही होती है, या खोवा का कोई आइटम आपने 17 जनवरी को खाया था शाम के समय। अगली लाइन याद करिए, लोहे की फैक्ट्री के मालिक से मुलाकात होगी बार बार। अभी आपके ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं, अब किसी लोहे की फैक्ट्री के मालिक से प्रेम स्नेह बातचीत मुलाकात प्रेम भाव बन जाए, जो भी हो, परंतु आपका कोई पड़ोसी बनकर रहने लगे, आप किसी लोहे की फैक्ट्री के मालिक के पड़ोसी बनकर रहने लगे, परंतु जो लोहे का कोई कारखाना चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, उसके मालिक से आपकी आवाज बताती है कि अभी भी आने वाले समय में, ये तो चल रहा पिछले 4 महीने से, आने वाले 1.5-2 साल तक और चलेगा, कि किसी लोहे की फैक्ट्री के मालिक से आपकी बार बार मुलाकात बार बार सामना होता रहेगा। यह ध्यान देने वाली बातें हैं। आवाज आपकी, परखने सुनने वाले हम हैं, प्रभाव देने वाले ग्रह योग हैं, और फिर बताने वाले भी हम हैं। यह ना बड़े रहस्य की बात कि आपकी आवाज बता रही है कि अब आप किससे मिलने वाले हैं। आपकी आवाज बताती कि आपको किससे नुकसान होना, आपकी आवाज बताती कि किससे फायदा होना। इसका मतलब आपकी बोलचाल से, आपकी आवाज से, आपकी आवाज की तरंगों से अगर कोई सिद्ध व्यक्ति है या भगवान की कृपा का पात्र है, तो वह जान सकता है कि आपके साथ क्या कुछ चल रहा है और इसका क्या समाधान किया जा सकता है। ये तो कभी व्यक्तिगत रूप से मिलने पर ही आपको पता चलेगा। अगली लाइन है, आपको आपकी आवाज के अनुसार ग्रह कुछ इस तरह प्रभावित कर रहे हैं कि वाद विवाद संवाद में विजय के योग बन रहे हैं। अगर किसी से आपकी बहस होती है, वाद विवाद होता है, संवाद होता है, बातचीत होती है, तो निश्चित आपकी विजय हो। घबराइए नहीं, ग्रहों का आपके कुछ मजबूत बने हुए हैं, जो आपका पक्ष लेकर मजबूती से खड़े हैं कि विजय आपकी सुनिश्चित है। चिंता ना करें, यह खुशी की बात है। अगली लाइन है जो थोड़ा सा आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसमें आपकी नेत्र ज्योति कम होती रहेगी। आने वाले कम से कम 14 महीने तक नेत्र ज्योति में, यानी आंखों की रोशनी में निरंतर गिरावट का अनुभव करेंगे। नेत्र ज्योति में कमी आएगी, आंखों की रोशनी कम होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बादाम काजू अखरोट का सेवन करिए, स्वस्थ रहिए। अगली लाइन है आपके लिए, 8 मास के अंदर धन प्राप्ति का योग। आपकी आवाज बताती है कि अगले 8 महीने के अंदर धन प्राप्ति का योग बनेगा, धन लाभ होगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चिंता ना करें, बल्कि मेरा जो कैलकुलेशन कहता, अनुभव कहता है आपकी आवाज के अनुसार कि अगले 8 महीनों में आपका अगर कहीं पैसा फंसा है तो रिटर्न विद थिंक विद इंटरेस्ट, पैसा लौटेगा धन्यवाद के साथ, ब्याज के साथ वापस आ जाए। ऐसे समय में, जो समय आपका चल रहा आपकी आवाज के अनुसार, ऐसे समय में लोगों का अगर इनकम टैक्स में भी पैसा चला जाता है तो वह अतिरिक्त पैसा वापस आ जाता है। योग अच्छा है, इस समय का भरपूर उपयोग करिए। अगली लाइन आपके लिए है, सन 2017 से 2019 के बीच का समय आपका खराब था। सन 2017 से 2019 के बीच बार बार निराशा का भाव, डिप्रेशन का भाव, मन में तनाव का भाव, नींद की कमी और प्रभाव में निरंतर गिरावट, बालों का झड़ना, चिड़चिड़ाहट होना, घर परिवार की चिंता होना, ये सारी बातें सम्मिलित थीं जो कि आपके फलादेश में सम्मिलित। आपको समझ में ना आए तो आप 4-5 बार 6 बार इस वीडियो को सुनिए, परंतु एक एक बात याद करिए और वैसा ही होगा जैसा हमने कहा, और वैसा ही हुआ होगा जो हमने कहा। अब आपका उपाय बता देते हैं, उपाय क्या करना चाहिए।
कोशिश करें किसी से कर्कश यानी विवादपूर्ण भाषा में जोर से ना बोलें, तनाव खड़ा ना करें। गुरुवार के दिन पके केले दान करें, गुरुवार के दिन पके केले ना खाएं। आपको जैसा ठीक लगे, एक केला, दो केला, चार केला, कुछ भी दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन थोड़ी सी चने की दाल शिवजी को चढ़ा दें या किसी को दान कर दें। ये दो उपाय करें, आपको राहत मिलेगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और कुछ जरूरत पड़े तो महादेव की शरण लें, और कुछ जरूरत पड़े तो कभी व्यक्तिगत रूप से मिल लें। मिलने के लिए हमारे नंबर इसी में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप नंबर देख लीजिए। फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको दोबारा ऐसी जानकारियाँ मिलें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।